हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मजिस्टर टीचिंग। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में, कि इंजन कूलिंग सिस्टम होता क्या है, उसकी हमें नेसेसिटी क्या रहती है, और इंजन कूलिंग सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं, उनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है और उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज कूलिंग सिस्टम या इंजन कूलिंग सिस्टम होता क्या है। फ्रेंड्स, कूलिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि इंजन के वर्किंग के दौरान इंजन की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है, इसे हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ कूलिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, जो कूलिंग सिस्टम की नेसेसिटी है वो किसी एक फैक्टर पर डिसाइड नहीं होती है, उसमें कई फैक्टर होते हैं जिस कारण से हमें इंजन में कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला फैक्टर है हमारा, फ्रेंड्स, जब एक इंजन वर्क करता है तो जो कंबशन इंजन में हो रहा होता है उस कारण से हीट जनरेट होती है, और उस हीट के कारण इंजन का टेम्परेचर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, ये वो टेम्परेचर होता है जो इंजन की सिलेंडर बॉडी और इंजन के अदर कंपोनेंट के मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा होता है, यानी कि इस टेम्परेचर पर इंजन सिलेंडर का मटेरियल फेल हो सकता है, जिससे हमारे इंजन सीज की प्रॉब्लम हो सकती है अगर इंजन का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं किया जाता है तो। दूसरा फैक्टर है फ्रेंड्स, जब इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उस कारण से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है इंजन पैन में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिस कारण इंजन के अंदर कार्बन जम जाएगा और इस कारण से पिस्टन सीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है इंजन में। फ्रेंड्स, तीसरा फैक्टर है हमारा कि जब इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कारण से इंजन के कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जिस कारण से इंजन में डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम या डिटोनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, चौथा और लास्ट फैक्टर है कि जो इंजन का हाई टेम्परेचर होता है वो इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को भी डिक्रीज कर देता है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें इंजन में कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, कूलिंग सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम की। तो फ्रेंड्स, जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, इन सिस्टम में इंजन की हीट एयर द्वारा रिमूव की जाती है। फ्रेंड्स, जो इंजन की हीट होती है, जो इंजन में कंबशन के दौरान जो हीट जनरेट हो रही होती है, उसे हम एयर के द्वारा रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, जो एयर कूल सिस्टम होते हैं, इन सिस्टम में इंजन की चारों साइड फिन्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उन फिन्स के कॉन्टेक्ट में ज्यादा एयर आए और जिस कारण से जो हमारा इंजन में हीट जनरेट हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी ठंडी हो सके। फ्रेंड्स, जो हमारे एयर कूलिंग सिस्टम होते हैं, ये मोस्टली स्मॉल या लेस जो हॉर्स पावर ट्रैक्टर होते हैं, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, स्मॉल कार एंड एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम की। फ्रेंड्स, वाटर कूलिंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में। वाटर कूलिंग सिस्टम में इंजन हीट वाटर और कूलेंट के मिक्सचर द्वारा रिमूव की जाती है। इस सिस्टम में इंजन सिलेंडर की चारों साइड वाटर जैकेट्स होते हैं, जिनमें वाटर और कूलेंट के मिक्सचर को वाटर पंप के द्वारा सप्लाई किया जाता है, पंप करके उसे सर्कुलेट किया जाता है, जो हमारे इंजन की जो हीट जनरेट हो रही होती है उसे रिमूव करता है। अब हम बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट की। वाटर कूलिंग सिस्टम में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है रेडिएटर, सेकंड होता है कूलिंग फैन, थर्ड होता है प्रेशर कैप, फोर्थ होता है रिजर्वायर टैंक या कूलेंट टैंक, फिफ्थ होता है वाटर पंप, सिक्स्थ होता है थर्मोस्टेट वाल्व एंड सेवंथ और लास्ट होता है हमारा होस पाइप। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे इंजन के जो वाटर जैकेट्स होते हैं, वहां से एक होस पाइप लाइन जाती है जो कनेक्ट होती है हमारी थर्मोस्टेट वाल्व से। फ्रेंड्स, थर्मोस्टेट वाल्व से एक हमारी डायरेक्ट मेन लाइन जाती है रेडिएटर के अपर टैंक में। फ्रेंड्स, रेडिएटर के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है अपर टैंक, दूसरा होता है हमारा रेडिएटर फिन्स और ट्यूब्स, और तीसरा होता है हमारा लोअर टैंक। फ्रेंड्स, जो हमारे थर्मोस्टेट से मेन लाइन आ रही होती है वो जाती है हमारे रेडिएटर के अपर टैंक में, उसके बाद हमारे फिन्स और ट्यूब आ जाते हैं, उसके बाद जो हमारे रेडिएटर का लोअर टैंक होता है वहां से हमारी एक लाइन जाती है इंजन वाटर पंप के अंदर। फ्रेंड्स, जो हमारा वाटर पंप होता है वहां से भी एक हमारी होस पाइप लाइन जाती है जो हमारे कनेक्ट होती है अगेन वाटर जैकेट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारा थर्मोस्टेट वाल्व होता है इसमें से भी एक बाईपास लाइन जाती है जो हमारी कनेक्ट होती है वाटर पंप और जो वाटर जैकेट वाली लाइन होती है उनके बीच में, और उसके बाद जो रेडिएटर की प्रेशर कैप होती है उससे भी एक प्रेशर रिलीज पाइपलाइन जाती है जो हमारी लगी होती है कूलेंट रिजर्वायर कूलेंट टैंक के अंदर। फ्रेंड्स, जो हमारा कूलेंट टैंक होता है उससे भी एक हमारी सप्लाई लाइन या कह सकते हैं फीड लाइन जो होती है वो सीधा जाती है हमारे रेडिएटर और वाटर पंप वाली जो लाइन होती है उसके बीच में कनेक्ट होती है। इस तरीके से ये पूरा हमारा जो वाटर कूलिंग सिस्टम की जो कंस्ट्रक्शन होती है ये पूरी होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम
काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, जब हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर इंजन एकदम लो टेम्परेचर पर होता है और जब तक इंजन नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पर आता है उस टाइम तक इंजन को कूलिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो इंजन के वार्म अप होने तक क्लोज कंडीशन में रहता है और जो कूलेंट का सर्कुलेशन इंजन में हो रहा होता है उसे बाईपास लाइन के द्वारा वापस इंजन में सप्लाई करता रहता है। फ्रेंड्स, जब इंजन कुछ टाइम वर्क करने के बाद वार्म अप या गर्म हो जाता है तो जो कूलेंट सर्कुलेशन हो रहा होता है वो भी गर्म होता है और जब गर्म या हॉट कूलेंट इंजन द्वारा थर्मोस्टेट वाल्व में आता है तो थर्मोस्टेट वाल्व के गर्म होने के पर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है और वो हॉट कूलेंट वापस इंजन में जाने से रोक देता है, यानी कि जो थर्मोस्टेट वाल्व से बाईपास लाइन होती है उसे क्लोज कर देता है और जो डायरेक्ट रेडिएटर वाली मेन लाइन होती है उसे ओपन कर देता है। अब जो हॉट कूलेंट इंजन से आता है वो वापस इंजन में ना जाकर डायरेक्ट रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है। अब हॉट कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक से रेडिएटर ट्यूब में से होकर लोअर टैंक में जाता है, लेकिन जो रेडिएटर ट्यूब्स होती हैं उसके साथ फिट होती है हाईली थर्मल कंडक्टिव फिन्स और रेडिएटर के पीछे फिट होता है फैन, जिस कारण कूलेंट अपर टैंक से लोअर टैंक तक जाते आते जल्दी ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, जब कूलेंट अपर टैंक से लोअर टैंक में ठंडा होकर आ जाता है तो अब कूलेंट लोअर टैंक से सीधा जाता है हमारे वाटर पंप के अंदर और वाटर पंप के द्वारा कूलेंट को पंप करके इंजन के अंदर दोबारा सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो ये कूलेंट और वाटर का मिक्सचर होता है ये हमारा सर्कुलेट होता रहता है वाटर कूलिंग सिस्टम में। अब इंजन की कंटिन्यूस वर्किंग के कारण कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट सर्कुलेट हो रहा होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से रेडिएटर की ट्यूब डैमेज हो सकती है अगर वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो हमारा कूलेंट है वो रेडिएटर ट्यूब में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिएटर के अपर टैंक में लगी होती है प्रेशर कैप। फ्रेंड्स, ये प्रेशर कैप के अंदर एक स्प्रिंग वाल्व होता है जो जब हाई प्रेशर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक में होता है वो उस रिजर्वायर और कूलेंट टैंक में सप्लाई कर दिया जाता है, प्रेशर रिलीफ लाइन होती है उसके द्वारा। फ्रेंड्स, जो कूलेंट होता है अब वो कूलेंट टैंक में जाने के कारण जो पूरी कूलिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो कूलेंट सर्कुलेट हो रहा होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो कूलिंग सिस्टम में कूलेंट का अमाउंट कम ना हो उसके लिए कूलेंट टैंक से भी जो एक फ्यूड लाइन या सप्लाई लाइन होती है वो रेडिएटर और वाटर पंप के बीच में कनेक्ट होती है जिसमें कूलेंट टैंक से कूलेंट सप्लाई होता रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो पूरा कूलिंग सिस्टम होता है उसमें कूलेंट का प्रेशर भी मेंटेन रहता है और जो कूलेंट होता है उसका लेवल भी मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह यह पूरा इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम वर्क करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मैजिस्टर टीचिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।